कविदास जी एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने किसी को कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई थी, और जब जाते थे तब उनकी सब यादें करते थे। और कविदास जी और आने का संभव करते थे। अरे भगवान, 2400 घंटे ये कबीरदास जी को देखते रहा करो। कबीरदास जी कौन थे? तुम्हारे रिश्तेदार थे या तुम्हारे जीजा लगते थे? कौन लगते थे वो, हैं? अरे भगवान, इतना क्यों बरस रही हो? क्यों बरस रही हो? बरसू ना तो और क्या करूं? पूरी जिंदगी में कम से कम 20 साल हो गए मेरी शादी को, एक सुख तक नहीं दिया तुमने मुझे। अरे एक पत्नी के क्या क्या अरमान होते हैं वो तक नहीं दिया। साधु संत आदमी से मेरी शादी कर गए। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ कतई अच्छा नहीं किया है? मैं कहाँ एकदम हूर की परी, खुद को देखो, साथ चलने में तो दो कौड़ी के नहीं लगते। देखा तो आपके माँ बाप ने था ना मुझे तो। ठीक है, ज्यादा सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। खाने में क्या बनाया? खाना अभी मैंने बनाया ही नहीं है। कौन? तुम्हारी अम्मा बनाएगी आके? हैं? कौन बनाएगा खाना? हैं? मैं बनाऊंगी? मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। थोड़ी देर में खाना तैयार कर दूंगी। जल्दी फटाफट खाना बना दो, वरना मेरा गुस्सा अगर कंट्रोल से बाहर हो गया ना। पति हो इसलिए कुछ नहीं कहती, अगर कुछ और लगते ना रिश्ते में तो इतना ढूंढती तुम्हें कि तुम्हारे पुर्जे उखाड़ के फेंक देती। बनाता हूँ अभी। निकलो यहाँ से। मोदू कहीं का सुनिए, जरा घी का तड़का लगाना, रिफाइंड का तड़का नहीं लगाना, समझ में आ गई ना? ठीक है, वरना मुंह पे मारूंगी खींच के। खाना तुम्हारे। ठीक है, लगा दूंगा। जाओ। ठीक। ये तो इधर चला गए। अब वो महारानी क्या कर रही है? चला उनको भी देख लेती हूँ। पता नहीं क्या करती रहती है पूरा दिन। चला देखती हूँ करती क्या है वो। ओफो, पढ़ाई चल रही है मैडम जी की। जी भाभी। मैं भी तो सुनूं। चलो मेरी प्यारी ननद कौन सा पाठ पढ़ रही है? जी भाभी। सब जानती हूँ मैं, वो पढ़ाई के आड़ में तू करती क्या है? भाभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। तो मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं और क्या कर रही हूँ? तू ये सब छोड़, जाके उस बेवकूफ जो तेरा भाई है ना उसके साथ जरा खाना बना देख वो कैसे बना रहा है। अगर कहीं भी गलती हो गई तो सजा तो मैं दोनों को दूंगी। तो भाभी मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे कॉलेज। ओफो, पढ़ाई करके करना कहाँ है, करना क्या है, जाना कहाँ है, जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ बोलो। जरा वो तुम्हारा भाई है ना, एक नंबर का बेवकूफ। भाभी पहले तमीज से बात कर लो, भाई के बारे में क्या बोल रहे हो? ओ माय गॉड, मैं भाई के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। मेरे बारे में जो बोलना जो बोल लो। अच्छा, भाई के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोल सकती, मेरे बारे में बोलो जो बोलना है। अच्छा तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि मुझे तुम्हारे बारे में क्या बोलना है। अब मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि तेरे बारे में और तेरे भाई के बारे में मैं क्या बोलूं। है? एक तो एक वो सारा काम करते हैं, घर का खाना भी बनाते हैं, तुम्हारे कपड़े भी धोते हैं, ऊपर से उल्टे उल्टे सीधे और सुना रही हूं उनको। तो करेगा नहीं, और तो वो कुछ करने से रहा, इतना तो कर ले। कपड़े तो धो ही सकता है, खाना तो बना ही सकता है, मर्दानगी तो उसके अंदर कहीं से नहीं छलकती। भाभी तमीज से बोल दो। हाँ हाँ, अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा तमीज से बोलूं। जाके अपना काम करो, मेरे पे बरसने से ज्यादा तो अच्छा है कि उस बेवकूफ की तरफ ध्यान दो, अपने भाई की तरफ। उसे कुछ समझाओ कि गृहस्थी होती क्या चीज है। मेरा भाई बहुत अच्छा है। हाँ? मेरा भाई बहुत कुछ जानता है गृहस्थी के बारे में, लेकिन तुम नहीं जानती हो। बहुत अच्छा भाई है तुम्हारा। बिल्कुल बहुत अच्छा भाई है। हे भगवान, तुमसे ना बात करना नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा पति बिल्कुल मत देना, क्योंकि मैं ऐसे पति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती। ऐसा है भाभी, तुमसे ना बात करना बेकार है, ठीक है ना? जाओ तुम अपना काम देखो उधर। तो काम तो मैं देख ही रही हूँ, जाके उस मोदू को देख तू। कल की आई छोकरी मुझसे जमान लड़ा रही है, इनकी लगाम खींच के रखनी पड़ेगी, वरना इनकी लगाम टूट गई ना तो ये मेरे सर पे दोनों बहन भैया तांडव करने लगेंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस चावल उबालने लग जाऊं। भैया क्या कर रहे हो? अरे बहन क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो इसमें? ये बस चावल चढ़ाने जा रहा था। चावल? क्यों?
उनके क्या हाथ में आग लग गई है जो आप चावल चढ़ा रहे हो? जी। उस दो कोड़ी की औरत की इतनी हिम्मत जो तुमसे इतना कुछ कहे? धीरे बोल पागल। क्या धीरे बोलूं मैं? अरे धीरे बोल, अगर सुन लिया ना तो मेरी जान तो आई जाएगी फजीते में, फिर तुझसे भी कहेगी। बिल्कुल सुन ले, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में एक लफ्ज नहीं चुनूंगी। तुमने सर पे चढ़ा रखा है ना उनको। अरे बहन तू समझा कर बात को, जब घर में रहते है ना तो क्या करूँगा बता, ये तो सहन करनी पड़ेगी मुझे। आज वो मुझसे भी इतना कुछ बोल रही है, क्यों बोलती है? तुम पे कुछ कहा नहीं जाता उनसे? मैं क्या, तुम उनके पति हो ना कि कोई नौकर हो घर के, जो जब देखो उनके कपड़े धोते रहते हो, जब देखो खाना बनाते रहते हो, जब देखो पैर दाबते रहते हो, ये कोई तमीज है उनकी? अब नहीं करूंगा तो सारे मोहल्ले में शोर मचाएगी, फिर ये कहेंगे बाहर जाके हल्ला मचाई, कपड़े नहीं धोए, कब खाना नहीं बनाया, तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो इससे तो अंदर ही बेइज्जती करती है, तो खाली मुझे ही तो पता है कि बाहर वो हल्ला नहीं मचा सकती है, क्योंकि उनकी इज्जत चली जाएगी। अगर बाहर हल्ला मचा दिया तो वो सारा घर के अंदर करती है तुमसे। नहीं वो बहुत नीच औरत है, वो बहुत फजीते कर देगी, पता है तुझे, सारे मोहल्ले में मैं जीने लायक न रहूंगा। भैया ये तुम्हारी हालत ना मुझसे देखी नहीं जाती है, ऐसे ही भाभी करती रही ना तो एक न एक दिन बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। बहन मैं भी दुखी हूँ उससे तो बहुत ज्यादा, कभी कभी मन करता है कि कुछ जहर खा लूँ, क्या करूँ कि मैं मर जाऊँ। जहर खाओगे? तुमने क्या क्या रहा है उनका है? वो तो खुश हो जाएंगी, जहर खा लेंगी तो मर जाएंगी, वो तो यही चाह रही है। वही तो बात है सारी, मैं किसी से कह नहीं सकता अपने दिल की, ना मैं अपनी गृहस्थी से कह सकता हूँ, मगर तुझसे कहूँ तो तू भी ऐसे करती है, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। भैया एक बात बताओ, तुम मर्द नहीं हो, कुछ कह नहीं सकते हो उनसे हैं? ये हाथ किस लिए दिए हैं? ये काम करने के लिए दिए हैं ये? तुम्हें पता है मेरे स्कूल में कॉलेज में सारे बच्चे तुमसे डरते हैं, और घर में आके भीगी बिल्ली बन जाते हो तुम। भैया तुम पे शर्म आनी चाहिए, नेक भी शर्म नहीं है तुम में कि तुम ये काम कर रहे हो। छोटी मैं क्या कर सकता हूँ बता, तू बता क्या मुझे ये करना चाहिए? तू भी मुझे चिल्ला रही है उसी तरीके से, मुझे बता मैं क्या करूँ? आज जब भाभी ने मुझसे बोला ना तो मुझे पता है मेरे दिल में कैसी आग लगी, जो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी। मुझसे बोल लो जो कुछ बोलना है, मेरे भैया के बारे में नहीं बोलेंगी वो? अच्छा तुम उन्हें दिखाते क्यों नहीं हो? तुम नेका सबक सिखा सकते हो भाभी को, पर तुम नहीं। तुम जब देखो, हाँ मैं बना रहा हूँ, उनके कहने पे लगे रहते हो, जब देखो है झाड़ू ले, बर्तन ले, पोछा ले, तुमने भी भैया हाथ कर दी, कितना दब के रहोगे तुम? अरे खाना बन गया, क्या कर रहे हो अंदर, मर गए क्या, खाना नहीं बना अभी? अरे अरे हाँ बस बन गया बन गया बन गया, हाँ, बस थोड़ा सा रह गया। अरे भैया तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता, जाओ तुम्हें समझानी बेकार है। कुछ तो करना चाहिए।